तो भाई आज की वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत खतरनाक, और इसमें बहुत सारे लोग हर्ट भी होने वाले हैं और बहुत सारे लोग बुरा भी मानने वाले हैं और कमेंट भी करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है इस चैनल पर वो पहली बार आए हैं, मैं CRPF, CISF सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, CISF के कांस्टेबल, और इन सभी के मैं फिजिकल और मेडिकल पास कर चुका हूं। क्योंकि आज की वीडियो ऐसे होने वाली कि बहुत सारे लोग ऑफेंड ना हो जाएगी, भाई तूने पहले लाइफ में खुद कुछ किया है जो तू हमें बोल रहा है। क्योंकि आजकल ना इंडिया में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे हो और चाहे वो देश प्रेम के नाम पे हो। मैंने बहुत सारी रील्स देखी और बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी जहां पर बच्चों को मिस गाइड करके उनको देश सेवा के नाम पे उलझाया जा रहा है और उनका मिसयूज करके यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे भी कमाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वो बच्चे यूज भी हो रहे हैं और ये इंसान अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्हें पता नहीं क्या कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है। नंबर वन, बच्चों का वहां पे पैसा लूटा जा रहा है। नंबर टू, कैमरे के सामने उनके साथ बदतमीजी की जाती है। नंबर थ्री, यूट्यूब पर उनकी वीडियो डाली जाती है जहां पे उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता है, जिसके द्वारा पैसे बनाए जा रहे हैं। नंबर फोर, बच्चों को ये पता भी नहीं है कि उनका मिसयूज हो रहा है, क्योंकि बच्चे मासूम है और वो चाहते हैं देश सेवा के लिए या देश के लिए कुछ कर सके, और ऐसे में ना चाह के उन्हें पता भी नहीं है कि उनका कितना शोषण हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देश के प्रति बच्चों के दिल में जो प्रेम है उसी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे मुझसे फिजिकल के और भर्ती होने के बारे में नहीं पूछते, क्योंकि मैं पहला ऐसा इंसान था जो सोशल मीडिया से पहले भी टेलीविजन पे, इंडियन नेशनल टेलीविजन पे आया था यूनिफॉर्म के साथ। तो बहुत सारे बच्चे इमोशनली भी और मुझे देख के बहुत प्रभावित हुए थे और वो मुझसे पूछते भी कि भैया फिजिकल और दिल्ली पुलिस की वर्दी या यूनिफॉर्म या आर्मी में कैसे जा सकते हैं। लेकिन मैं सही बताऊं, मेरा तरीका, मैंने 2-4 वीडियो बनाई है, मेरा तरीका बिल्कुल भी इतना वल्गर नहीं है। भाई ये वीडियो देखो पहले। क्या देख रहे हैं भोजी भाई आप? दो है सर। क्या है? दो है, दो वृषण है साथियों। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तैयारी कहाँ की हो रही है, क्योंकि जब मैंने फिजिकल दिया उसके बाद जब मेरा मेडिकल हुआ, जब वो लास्ट स्टेज पे होता है, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से कहीं भी नहीं होता, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस का मेडिकल भी दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर CISF का भी मेडिकल दिया हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, ऐसे पकड़ पकड़ के तो कोई नहीं करता भैया, और इतनी बुरी तरीके से तो मैंने कहीं देखा नहीं। भाई मुझे नहीं लगता ये भर्ती की तैयारी करवा रहे, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। जितने भी बच्चे ये है ना भाई, मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा, मुझे पता है आप हेट देने के जरूर आओगे क्योंकि आप नादान हो, एक बार ये सोचना जो भी इनकी वीडियोज में आ रहे हैं, कल को जब तुम बड़े होगे, जब तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि भाई आज के दौर में इंटरनेट पे कोई चीज ना मरती नहीं है, इंसान मर जाता है लेकिन उसकी हमेशा पड़ी रहेगी है सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे। तो जब तुम्हारे बच्चे होंगे या तुम बड़े होगे, जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना भैया तुम क्या कर रहे थे, तब समझ में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है, हद तो तब होगी कि जब इस तरह के प्यारे भोले नादान बच्चे जिनके प्रति देश की भावना है यार दिल में, उनका यूज करके पर्सनल चीजों के लिए भैया गाड़ी ले आया 2 करोड़ की। तेरे संग बना हूं मलंग, तुझब है दंग हुई ये दुनिया मुझसे पंग। उन्हें दिखा रहा है सपने और खुद घूम रहा है डिफेंडर में, ठीक है, उनके पकड़ रहा है, मैं तो बोल भी नहीं सकता। हाँ, और दूसरी चीज, अब ये बहुत सारे प्रेमी और बहुत सारे लवर ये बोलेंगे भैया तू खरीद ले, तू भी जल रही है। भैया मुझे कोई डिफेंडर खरीदने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 75-75 करोड़ का सिर्फ नंबर खरीद लेते हैं। बात यहाँ गाड़ी की नहीं है, बात यहाँ है कि आप यूज हो रहे हो और आपका यूज किया जा रहा है अपने पर्सनल फायदे के लिए। आप लोग इतने नादान हो ना कि आपकी भावनाओं का मिसयूज करके आपको कंटेंट के रूप में लिया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, आप इस चीज के उल्टा पैसे और दे रहे हो। साथियों, कभी आपकी भी चड्डी ऐसी गीली हो रही है, समय आपकी कभी चड्डी ऐसी हो जाती है। साथियों देख रहे हैं आप, साथियों भैया मेरे सामने ना ये नाइट फॉल वाली वीडियो है, सही बता रहा हूँ, उल्टी करते करते अभी वापस आया हूँ। यार हद होती है, एक तरीका होता है, एक डेकोरम मेंटेन होता है, तुम्हें आर्मी में बच्चे भर्ती करवाने हैं, तुम क्या कर रहे हो ये, ठीक है भाई। मैंने बहुत सारी वीडियो नाइट फॉल के ऊपर मैंने भी की होंगी, लेकिन इस तरीके की वीडियो कभी नहीं की है, ये वल्गैरिटी है और ये ओपन। भाई तुम बच्चे कल को बड़े हो गए, तुम क्या देखोगे यार, तुम्हारे माँ बाप नहीं देखते क्या ये वीडियो, या उन्हें पता चलेगा कि बच्चा गया था भर्ती की तैयारी करने, ये क्या कर रहा है वहाँ पे। एक कमेंट आता बाबू कि सर मेरा छोटा है, मैं बोलता सर तिरछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलता छोटा है। ये आर्मी की जो मैंने भाई वीडियो देखी ना कि इस तरीके का मेडिकल, मैं सही बताऊँ ना भाई, ये आदमी ना आर्मी को भी बदनाम कर रहा है। भाई इतने प्यार से बात की जाती है ना भर्ती में, CISF के ना कांस्टेबल का फिजिकल था मेरा 5 किलोमीटर की दौड़ का, भैया रास्ते में पानी का भी इंतजाम कर रखा है, ठीक है, क्योंकि एक राउंड पूरा करने के बाद 2.5 किलोमीटर का वापस आना था, दादरी में था, इतना कुछ ख्याल रखते है। और जब रही आर्मी की बात, भाई देश सेवा के लिए जा रहे हैं, वहां पे इतना टॉर्चर नहीं होता, इस तरीके से वल्गैरिटी नहीं होती। और मैंने जब CISF का सब इंस्पेक्टर का दिया ना भैया,
तो वहां पे इज्जत होती है, मतलब कि आप नौजवान आए हो, ऐसे तो कोई भी नहीं करता भैया। कौन सी भर्ती करवा रही है? मैं सही बताऊं, ये थंबनेल के लिए और वीडियो को वायरल करने के लिए एक ट्रिक है। पेरेंट्स देख रहे हैं, देख रहे हो, पेरेंट्स ने बोल दिया अभी हाली बाल काटो, आज से डिसिप्लिन स्टार्ट कर दो। देख रहे हैं दोस्तों, हम आते देर हुई नहीं और बाबू को बना दिया आशिक बेवफा सनम। अभी मैंने ये बाल काटने वाली वीडियो देखी, देखिए मेरे को आज भी याद है 7 जून 2010 मेरी ज्वाइनिंग थी, है ना, दिल्ली पुलिस में। और ज्वाइनिंग के बाद हमने अच्छे से कपड़े वपड़े रखे, अपना सेट किया, 2000 बच्चे थे, तो हमारे 2000 बच्चों में से मतलब हम सारे इकट्ठे हो गए। हमें बताया गया कि भैया आपके ना हेयर कट किए जाएंगे, और उसका रीज़न दिया गया, हेयर कट का रीज़न ये था कि तुम सब एक जैसे लगने चाहिए, तुम देश के लिए आए हो, तुम्हारा ना कोई धर्म है ना कोई तुम्हारी जाति है। वहाँ पे इस तरीके का मिसबिहेव नहीं किया जाता देश सेवा के नाम पे कि आ रहे तेरे बाल। भैया खुद इनकी खुद इनको देखोगे ना, यहाँ आईज पे भी कट लगवाया हुआ है, कहाँ से ये क्या बताऊँ यार, मैं गुस्सा तो बढ़िया रही है। पीछे इन भैया की ये वीडियो में देखो, पीछे भगत सिंह जी की फोटो है, देश सेवा करते हैं कि फौज में है, इनकी अभद्र भाषा देखो। और भैया कौन कौन से पेरेंट्स हैं जो इनके पास इन्हें भेज देते हैं बच्चों को फौज में भर्ती होने के लिए? भाई किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें फिजिकल के लिए, किसी की भी जरूरत नहीं है। 6 महीने अच्छे से जॉगिंग कर लोगे ना जब फिजिकल पास कर लोगे। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस भाई का करवाया गया ना अधिकतम वर्कआउट आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि आप अभी यंग है बहुत, तो आपको अभी फील नहीं होगा, जब थोड़ा सा आगे समय बिताओगे ना, जब समझ में आएगी आपको। ओ भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देसी गानों पे डांस देख रहा हूँ मैं, भाई कौन सी तैयारी चल रही है यार, मुझे ये बताओ जरा। भाई मैंने भी करी है तैयारी, बहुत करते थे यार हम लोग तो, पर ये वाली तैयारी हमने कभी नहीं करी। हम तो भैया जितने भी नौजवान बालक थे ना, मतलब 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, आने के बाद अखाड़े जाते थे, ठीक है, उसके बाद पूरा दिन पढ़ते हैं और शाम को जाते हैं जिम में, लेकिन ये नृत्य हमने कभी नहीं देखा। और भाई वीडियोज़ के लिए कैसे कर लेते हैं यार ये सब, मुझे तो लग रहा है कि इनके ऊपर सरकार की नज़र नहीं गई है। सन्नी देओल भैया ने सही किया है, इनका वीडियो में रोल काट दिया था, उन्हें भी समझ में आ गई थी भैया अगर ये रोल फिल्म में रहा ना, फिल्म पहली वाली जैसी चलेगी नहीं। तो मजाक से हटके भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भाई हो सकता है जेन्युइन काम कर रहा हो, लेकिन तरीका मुझे तो बिल्कुल वल्गर लगता है और बहुत ही निहायत ही बच्चों का मिसयूज लगता है। आप करो कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से करो, लेकिन उनको पता है ना उनको बाद में कितना ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा। भाई सोशल मीडिया ना बहुत टॉक्सिक है, जैसे हम लोग भी इस पे बात कर रहे हैं ना, ऐसे उनके पेरेंट्स जब उनके रिश्ते जाएंगे ना, तो उन रिश्ते वालों ने अगर पहचान लिया, अरे ये तो वही है इसकी वीडियो देखी थी हमने, से तो नाइटफॉल की बीमारी है, तो क्या बोलेंगे वो, समझ रहे हो तुम? अभी तो तुम गुरुजी कह के बनवा रहे हो वीडियो, और फिर आगे को तुम्हें पता चलेगी जब तुम्हारे रिश्ते भी ना होंगे कि भैया इसके तो रात को गलत काम करने की बीमारी है। समझो भाई, दिमाग लगाओ, देश की सेवा करनी है तुम्हें, इसकी जरूरत नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि फिजिकली और अगर तुम्हें पढ़ना भी है ना और फौज में ज्वाइन भी करना है, सबसे पहले तो अपने अंदर जो रियल भावना है ना, इसको इन जैसों के पास मत लेके जाओ जो अपना कमर्शियल फ़ायदा देख रहे हैं। और भाई 5-10 हज़ार रुपये महीना तुम्हें खर्च करने की जरूरत ही नहीं फिजिकल में, अच्छी हेल्थी मील लोगे ना, अच्छा हेल्थी खाना खाओगे और डिसेंट तरीके से वर्कआउट करोगे, आजकल सब कुछ तो फ्री है सोशल मीडिया पे, अच्छे से अच्छे कोच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। भाई रोजगार भी तो अंकित है ना, इतना अच्छा पढ़ाता है भाई, मैं उसका एक सेमिनार अटेंड करके आया था, वो भी तो आदमी है, डिसेंट है, खुद भी SSC की नौकरी किया हुआ टॉप लेवल पे, और कितने हजारों बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं घर बैठे, तो आप भी एजुकेशन ले सकते हो, क्यों मिसगाइड हो रहे हो? बाकी आपको हेट देना दो, बगैर सच्ची बात तो हमेशा कड़वी लगती है भाई, ठीक है। जितनी भी समझदार ऑडियंस इस चैनल पे आई है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लगता है आपको, मुझे जरूर कमेंट में बताना। हर चीज़ का तरीका है भाई, बिलो द बेल्ट अगर कोई काम कर रहे हो और आप कल को इमोशनल चीज़ जगा के वंदे मातरम बोल के भारत माता की जय बोल के आपको राइट नहीं मिलता है गलत चीज़ करने का। जिस तरीके से आप गोलियां पकड़ रहे हो, जिस तरीके से आप वो कच्चा वाइट कर दे रहे हो, ये ह्यूमिलेशन है उन बच्चों का। अभी उनको समझ में नहीं आया क्योंकि बेचारे नौजवान हैं, एक उनको देश के प्रति प्यार और जज्बा है उनके उनकी आंखों में ना, उन्हें ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब 5 साल निकलेंगे ना, तब तुम्हें जब जवाब करेंगे, पूछेंगे सवाल पूछेंगे उनकी फैमिली, तब समझ में आएगी। बाकी क्या कहते हो आप भाई, और कोई टॉपिक पे मुझे बताना, क्योंकि आवाज़ उठाना हमें ज़रूरी है भाई, हम नहीं मिलके बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने फिजिकल और मेडिकल हर चीज़ पास की हुई है, भारत सरकार द्वारा जो भी आयोजित होती है, एग्ज़ाम भी पास किए हुए हैं और फिजिकली भी पास किया हुआ है और मेडिकल भी,
और तरीके से। वो एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं, जो चंटी भी आते हैं ना मेडिकल में, उनकी भी बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें। और भाई जो भी बच्चे को ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है, भाई एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछना ये तुम देख रहे हो ठीक है या नहीं है। बाकी कमेंट भर दो बेशक गाली वाले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत झेलना का बहुत जिग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड फैमिली को जरूर खुश रखे। और भाई इन हरकतों से बचाओ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।